सबसे पहले आप सभी दर्शकों को संगीता तिवारी के तरफ से बहुत 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 सारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर इच्छाधारी फिल्म के म्यूज़िक रिलीज़ में आई हूँ और मैं तहे दिल से अपने दोस्त यश मिश्रा और रानी चटर्जी को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी ये फ़िल्म इच्छाधारी सुपर डुपर हिट हो और दर्शक इस फिल्म को बहुत पसंद करें। ये फिल्म के पोस्टर से ही आप देख सकते हैं कि अपने आप में एक अलग तरीके का नाग नागिन, यू नो, हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करती है इस तरह की स्टोरीज़ को। और इसके बाद यश जी के साथ में मेरी फ़िल्म जो रिलीज़ होने जा रही है वो है फिल्म हीरो गमछा वाला। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ में आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये फ़िल्म देखिए, इसको सुपर डुपर हिट कीजिए। इसके बाद हमारी फ़िल्म आ रही है हीरो गमछा वाला, वो भी ज़रूर देखिए क्योंकि हीरो गमछा वाले के भी गाने बहुत ही सुपर डुपर हिट है और अभी से ही लोग इस गानों को पसंद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी दर्शक इस फिल्म को भी देखें और आने वाली हमारी फिल्म इच्छाधारी, ये देखने से लग रहा है नाग नागिन की मूवी, इसके बारे में ये नाग नागिन की मूवी है और ये विषय पे कई पहले चलचित्र बन चुके हैं, मगर इसमें आप देखोगे तो कई चीज़ें अलग मिलेगी। ये नाग नागिन की फिल्म ज़रूर है मगर इसमें नाग नागिन का उपयोग नहीं हुआ और पहली दफ़े ऐसा दिख रहा है कि नाग नागिन कभी आदमी मानव स्वरूप में आते हैं, कभी नाग नागिन के स्वरूप में आते हैं। तो इसमें VFX का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है जो आज तक भोजपुरी चलचित्रों में न देखा है न सुना गया है। तो इससे एक नया अंदाज मिल रहा है। फिल्म का म्यूज़िक एकदम कर्णप्रिय है जो आज रिलीज़ होने जा रहा है और इसमें यश की अदाकारी, देव का डायरेक्शन और रानी का सपोर्ट एक अद्भुत फिल्म बनाने जा रहे बनी है। वो आपको जब रिलीज़ होगी तो मालूम पड़ेगा। और आज खुशी की अभिव्यक्ति इसी तरह हो रही है कि देव का बहुमान करने जा रहे हैं और उसको एक गाड़ी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप सर, सर म्यूज़िक लॉन्च हो गया है इसके 10 दिन पहले और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। म्यूज़िक धीरे धीरे म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है, एक एक गाना यूट्यूब वगैरह पे आने लगा। फॉर्मल रिलीज़ आज करने जा रहे हैं हम लोग और उसका रिस्पांस देख के बहुत हौसला बढ़ा है और बहुत हौसला अफजाई हुई है हम लोग की कि इतना बढ़िया रिस्पांस है। और वाकई मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ पैदाइशी और भोजपुरी समझता भी बहुत कम हूँ, मगर जैसे जैसे सुनते जा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा है गानों में। सर देखा जाए तो नॉर्थ साइड में देवताओं पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे कि हर एक देवता पे, तो फिर इस टाइप की मूवी बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया सर? इसका टाइप की मूवी बहुत बन चुकी है फिर भी हिम्मत किया, इसकी वजह यही है कि बिहार UP में नाग नागिन की फिल्में हमेशा चलती आई है, लोगों को देखने में हमेशा दिलचस्पी रही है, तो हमें भी लगा कि ये दिलचस्पी को एनकैश करना बहुत बेहतर रहेगा। सर म्यूज़िक की बात करें तो इसमें कितने सॉन्ग्स हैं? नौ गाने हैं और इसमें छोटे बाबा ने म्यूज़िक में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नए सिंगर्स भी ट्राई किए हमने, उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। यश ने भी एक गाना गाया है, वो भी आपको देखने मिलेगा। और जो गाने पिक्चराइज हुए हैं वो फिल्म में ऐसे कितने गाने होने चाहिए फिल्म में वो नहीं देख के, जहाँ गाने ज़रूरी हुए वहीं डाले गए हैं। वो एक सबसे पहले समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। देव पांडे इच्छाधारी का मैंने निर्देशन किया है। मेरी फिल्म इच्छाधारी नाग नागिन से ही प्रेरित है क्योंकि नाम ही ऐसा है इच्छाधारी, लेकिन आज तक जितने नाग नागिन की फिल्में बनी है उनसे अलग हटकर, जैसे सारे डायरेक्टर कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरी फिल्म सबसे अलग हटके है तो है, क्योंकि उसमें सबसे पहली बार भोजपुरी सिनेमा में ये दिखाई देगा कि कैसे हीरो का सर है, बाकी के नीचे का जो उसका भाग है वो नाग नागिन का रहेगा। उसी तरह हीरोइन का भी जो उसका सर का जो उसका हेड है उसका अपना ओरिजिनल रहेगा, लेकिन बाकी उसके नीचे का पोर्शन जो है नागिन का रहेगा। तो इस तरह का दोनों का रोमांस, फिर पूरी तरह नाग नागिन में बदलना, उनका रूप बदलना और रोमांस करना,
उसके बाद वापस मानव का रूप धारण कर लेते हैं और मानव दोनों पुरुष और स्त्री दोनों हैं और फिर दोनों का रोमांस करते हैं, हीरो हीरोइन का रोमांस है, उस रोमांस को करते करते वापस बदल जाते हैं नाग नागिन में और नाग नागिन से फिर हीरो हीरोइन बदलते हैं। ये देखने लायक रहेगा। सर देखा जाए तो जैसा बोल रहे कि हटके मूवी बनती है उसमें कुछ अलग से प्रिपरेशन करती है। इसके लिए हमने सबसे पहले मैंने खुद VFX के लिए 15 दिन का कोर्स किया और VFX वालों के साथ बैठ के मैंने सारी चीज़ों को उनके साथ डिस्कस किया, क्योंकि हमारा भोजपुरी सिनेमा का बजट भी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि हम VFX अगर करने जाएंगे, जैसे मेरी फिल्म में सबसे ज़्यादा VFX हुआ है और उस VFX करने के लिए बजट बहुत बड़ा होता है, तो उस बजट को कम करने के लिए मैंने खुद बैठ के VFX वालों के साथ डिस्कस किया कि हम अपने बजट को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मैनुअल भी किया हुआ है और एक तो अभी सेंसर बोर्ड की वजह से हम ओरिजिनल नाग नागिन को यूज़ कर ही नहीं सकते, सब VFX का ही सहारा लेना पड़ा। तो VFX करने के लिए हमने उसकी तैयारी की, लोकेशन ढूंढे गए क्योंकि उसके लिए जंगल चाहिए था और इफेक्ट्स के लिए हमने क्रोमा लगाना पड़ा, उसके लिए हमने क्रोमा भी लगाए हैं। तो इसके लिए मेरी फिल्म दूसरे लोगों से हटके है, क्योंकि किसी फिल्म में ऐसा हुआ ही नहीं है कि सांप किसी के मुंह में घुस जाए और उसकी अतड़ी को फाड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि मेरी फिल्म का सबसे बड़ा पोर्शन ये होगा कि मेरा इच्छाधारी नाग जो है, जिसका नाम देव है फिल्म में, और विलन अवधेश मिश्रा है, और अवधेश मिश्रा जब उसको मारने दौड़ते हैं तो नाग बन के उसके मुँह में घुस जाता है और उसकी अतड़ियों में पेटों को फाड़ के बाहर निकलता है और फिर वापस मेरा हीरो पैदा हो जाता है। ये चीज़ देखने के लायक रहा, क्योंकि आज तक किसी भोजपुरी फिल्मों में किसी ने ऐसा किया नहीं है। हमने लोकेशन पूरे गुजरात में किया है और बॉम्बे में किया हुआ है, बट लोकेशन ढूंढने बहुत तकलीफ है, क्योंकि आज जिस तरह हम लोगों ने जंगल को काटते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी कम होते जा रहे हैं, और ये इच्छाधारी बनाते समय मुझे महसूस हुआ कि अगर आज जंगल रहते तो हमें सचमुच के कितने पशु पक्षी और देखने को मिलते थे। आज हमें VFX का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जंगल ही नहीं रह गए, पशु और जानवर ही नहीं रह गए, तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जो गुजरात के जंगलों में हमें बेहतरीन जंगल मिला।